यूक्रेन युद्ध पर भारत का एक और बयान सामने आया है। यूक्रेन पर यूएनएससी अरिया फॉर्मूला मीटिंग में काउंसलर प्रतीक माथुर ने कहा है, भारत यूक्रेन की मौजूदा स्थिति को लेकर काफी चिंतित है। इस संघर्ष की वजह से जाने गई हैं और ये लोगों, खासकर महिलाओं, बच्चों और बुजुर्गों के लिए अनगिनत कष्टों की वजह बना है। आपको बता दें कि रूस और यूक्रेन के बीच 4 महीनों से ज्यादा वक्त से युद्ध जारी है। इस बीच हाल ही में भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के बीच फोन पर बातचीत हुई थी। इस दौरान पीएम मोदी ने यूक्रेन संकट को बातचीत और कूटनीति के जरिए सुलझाने के भारत के पुराने रुख को दोहराया था। उधर संयुक्त राष्ट्र ने हाल ही में बताया था कि 24 फरवरी को यूक्रेन पर रूस के हमले के बाद से यूक्रेन में 5,000 से ज्यादा नागरिकों की मौत हो चुकी है, जबकि 6,500 से ज्यादा लोग घायल हो चुके हैं। यूएन हाई कमिश्नर फॉर ह्यूमन राइट्स के ऑफिस यानी OHCHR की तरफ से ये आंकड़े जारी किए गए। OHCHR का मानना है कि लोगों के हताहत होने के असल आंकड़े और भी ज्यादा हो सकते हैं, क्योंकि हो सकता है कि भारी नुकसान वाले इलाकों से सटीक जानकारी सामने न आ पाई हो। फिलहाल इस युद्ध के जल्द खत्म होने के आसार नजर नहीं आ रहे। युद्ध के बीच पश्चिमी देश जहां एक तरफ रूसी इकोनॉमी की कमर तोड़ने के इरादे से प्रतिबंधों पर जोर दे रहे हैं, तो दूसरी तरफ यूक्रेन को हथियार भी मुहैया करा रहे हैं। हालांकि रूस भी पीछे हटने को तैयार नहीं दिख रहा। हाल ही में रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने कहा था, सभी को पता होना चाहिए कि कुल मिलाकर हमने अभी तक गंभीरता से कुछ भी शुरू नहीं किया है। एक पहलू ये भी है कि गेहूं और ऊर्जा संकट जैसे पहलुओं की वजह से रूस यूक्रेन युद्ध का असर बाकी दुनिया पर भी दिखने लगा है।